छठे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। अंतिम दौर में पहले चरण का रण है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। यूपी की 8 और उत्तराखंड के सभी 5 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। यूपी में अभी तक की अगर वोट परसेंटेज की बात इजी मतदान हुआ है, अगर उत्तराखंड की बात करें तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में अब तक 45.53% मतदान हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक का वोट परसेंटेज हम आपको ओवरऑल बता रहे हैं और 3 बजे तक का भी हाल आपको बताएंगे। रामपुर में, मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, कैराना, नगीना, बिजनौर, पीलीभीत में किस तरह से वोटिंग परसेंटेज अब तक रहा है। रामपुर की अगर सबसे पहले बात करें 42.7% मतदान अब तक हो चुका है 3 बजे का। ये नीचे आप ग्राफिक्स देख रहे होंगे, 3 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में देखिए 45.73% मतदान, नगीना में 48.15% मतदान हुआ है। बिजनौर में भी क्या समीकरण रहे हैं आप देख सकते हैं। बिजनौर में वोट परसेंटेज रहा है 45.7%। पीलीभीत में 49.06% मतदान हुआ है। और अगर उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की बात करें, 3 बजे तक के वोट परसेंटेज उत्तराखंड के भी सामने आ चुके हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल देख रहे हैं आप कैराना, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर में अब तक का वोट परसेंटेज 3 बजे तक का मतदान फीसद। और वहीं उत्तराखंड की बात करें तो अल्मोड़ा में भी 38.43% मतदान हुआ है। तो हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ संकेत जुड़ गए हैं, हमारे साथ फरहा भी जुड़ गई हैं और दीपांकर भट्ट भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपांकर, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। 5 सीटों पर उत्तराखंड की लगातार मतदान जारी है, 3 बजे तक के वोट परसेंटेज भी हमने अपने दर्शकों को बताया है। किस तरह का उत्साह वहां पर जनता के बीच नजर आ रहा है, क्योंकि दोपहर के वक्त तो धूप बहुत ज्यादा थी तो लोग धीरे धीरे पहुंच रहे होंगे। अब 5 बज चुके हैं, 5:09 हो गए हैं, तो उम्मीद जाहिर की जा रही होगी धीरे धीरे लोग आ रहे होंगे और ज्यादा। बिल्कुल, दोपहर तक क्योंकि आज धूप बहुत ज्यादा थी, खासतौर पर मैदानी जिलों में तो वोटर्स नजर नहीं आए, चाहे रायवाला में रहा हो, डोईवाला में रहा हो, चाहे ऋषिकेश विधानसभा कह लीजिए, डोईवाला विधानसभा कह लीजिए, या फिर धर्मपुर जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। वोटिंग यहां पर 5 बजे, अब यहां पर दरवाजे बंद कर दिए गए और अब आप देख सकते हैं कि अब कोई भी वोटर यहां पर दाखिल नहीं हो पाएगा। तो 5 बजे यहां पर वोटिंग अब समाप्त। और वोटिंग को लेकर इस बार जो खास बातें हैं कि यहां पर एक जोश जिस तरीके का नजर आना चाहिए था, वो कम से कम इस सेंटर पर हम सुबह 7 बजे थे तब लोग यहां पर जरूर थे, लेकिन 11 बजे तक जो भीड़ घटी उसके बाद घटती चली गई और इस तरीके का एक बहुत ज्यादा जोश यहां पर नजर नहीं आया। युवा इस समय नजर नहीं आया, खासतौर जिस सेंटर की अगर मैं बात करूं, यहां की बात करूं या डोईवाला की बात करूं, तो यहां पर युवा कम नजर आए। साथ ही साथ महिलाएं जरूर यहां पर बड़ी संख्या में निकली हैं, लेकिन एक बात जो लगातार हमने कैंपेन के दौरान देखी और जो आज वोटिंग जब हो चुकी है तब भी देख रहे हैं कि लोग साइलेंट है, लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका वो किसके पक्ष में है या किसके विपक्ष में है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, वो विकास के साथ वोट देना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं, इस पर वोटर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और 3 बजे तक अगर उत्तराखंड की 5 सीटों की आप बात करेंगे तो 40-45% का एक एवरेज वोट हुआ है। अगर ये हम 5 बजे तक भी मान लें तो ये 60% के आसपास जाएगा और 60% से अगर कम रहता तो यही माना जाएगा कि वोट बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। तो वोटिंग परसेंटेज अगर कम रहता है उत्तराखंड में, अब आएगा कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब पता लगेगा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर कम रहता है तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल होगा कि क्या कैंडिडेट्स वोटर को कन्विंस नहीं कर पाए। दूसरी बात यह कि सुबह वोटर जिस तरीके से निकल के आया, आज शाम के वक्त में खासतौर देहरादून की अगर बात करूं तो ज्यादातर सेंटर्स में वोटर कम नजर आया। और एक मिनट, मैं आप हमारे साथ आएंगी, हमारे कांग्रेस की एक जो यहां पर पूरी व्यवस्था इस बूथ पर देख रही थी, आप अपने अनुभव के आधार पर क्या कहेंगे, किस तरह का आज मूड दिखा आपका पब्लिक को? देखिए, सुबह तो बहुत अच्छा रुझान था, जिस प्रकार से महिलाएं निकली थी, आज पुरुष निकले थे, युवा बहुत कम निकला हुआ है वोट डालने के लिए। और 3 बजे के बाद तो बहुत धीमे हो गया था, पता नहीं लोगों में जागरूकता है नहीं या समझ ही नहीं आ रहे थे। शादी ब्याह का सीजन भी है तो वोट परसेंटेज थोड़ी कम हुआ है। शादी ब्याह का सीजन है, शादियां बहुत ज्यादा हैं, आज जुमे का दिन भी था, तो खासतौर धर्मपुर जिस सीट पर मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, इस सीट पर मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में है, ये भी एक बात मानी गई। गर्मी बहुत ज्यादा थी आज दिन में, वो उसको भी एक वजह माना गया, लेकिन ओवरऑल अब जब परसेंटेज निकल कर आएगा तब पता लगेगा कि क्या कितने परसेंट ये वोट रहा है। और
इस परसेंटेज की कमी का मुजफ्फरनगर का भुगतना पड़ेगा। विनेश पवार हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। विनेश, क्योंकि बीजेपी की तरफ से संजीव बालियान को प्रत्याशी बनाया गया है और बीएसपी की तरफ से दारा सिंह प्रजापति, हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, लेकिन अगर पिछले चुनावों की बात करें 2014 और 2019 में बीजेपी ने इस सीट को फतेह किया था, वहां पर अगर वोटर्स की बात करें कितने वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्या वोटर्स की संख्या बढ़ने का अनुमान है, क्या वोट परसेंटेज अब बढ़ेगा, क्योंकि 5:12 का वक्त हो गया है। देखिए अभी तक 3 बजे तक का वोट परसेंटेज आया है, लगभग 45% वोट पड़े हैं, तो जा रहा है कि बेहद कम वोट परसेंटेज है, जितना अनुमान लगा रहे थे उतना वोट परसेंटेज नहीं हुआ है। बात अगर करें मुजफ्फरनगर की, तो सुबह दो बेहद गर्मी थी, धूप थी, चिलचिलाती धूप की वजह से जो पोलिंग बूथ थे उस पर भीड़ भी बेहद कम थी। हालांकि सुबह 1-2 घंटे तो जरूर भीड़ देखने को मिली, लंबी लंबी कतारें देखने को भी मिली, लेकिन उसके बाद इक्का दुक्का वोटर ही आ रहे थे धूप में, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। मगर अब जैसे ही धूप ढली है, धूप ढलने के बाद खूब सेंटरों पर भीड़ देखने को मिल रही है। अभी अगर मैं बात करूं तो मैं इस समय इस्लामी इंटर कॉलेज पर हूं, कुछ मुस्लिम बूथों पर तो अब इस वक्त काफी लंबी लंबी कतारें हैं, मुस्लिम वोटरों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं यहीं पर इस्लामी इंटर कॉलेज पर, आपसे आप बताइए कितना उत्साह देखने को मिल रहा था, आप तो सुबह से यहाँ थे। जी जी, बहुत उत्साह है लोगों के अंदर। क्या क्या किस बात को लेकर इस बार इतना बढ़ चढ़कर? ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसको लेकर सब लोगों के अंदर उत्साह है और सरकार बदलने के इच्छुक हैं सब लोग। देखिए मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बात बात उत्सुकता की है और कितने उत्सुक है वोटर मुख्य रूप से बिल्कुल तो, क्योंकि अगर पिछले चुनावों की हम बात करते हैं तो फिर 5 में से बीजेपी 5 सीटों पर हारी थी, 3 पर जीत फतेह करी थी, जीत हासिल की थी बीजेपी ने, अगर ओवरऑल 8 सीटों की बात करें, और उन 3 सीट जीत पर बीजेपी की जीत हुई थी, उसमें पीलीभीत भी है, मुजफ्फरनगर भी है, कैराना भी है, तो जरा पीलीभीत का भी रुख कर लेते हैं। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं, वहां के वोटर्स कितने उत्सुक हैं, क्या कुछ उनका कहना है, मुद्दे क्या है, जरा बात करें संकेत। बिल्कुल, जाहिर सी बात है नलिनी, अगर पीलीभीत की बात की जाए तो रुहेलखंड के क्षेत्र में ये लोकसभा की सीट आती है और नेपाल बॉर्डर से सटी हुई सीट है, और पीलीभीत के अगर सियासी समीकरणों की बात की जाए तो पिछले 34 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कब्जा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट काट कर नए प्रत्याशी जितन प्रसाद को मौका दिया और समाजवादी पार्टी से भगवत शरण गंगवार है, वहीं बसपा से अनीस अहमद खां और फूल बाबू है। हम कुछ वोटरों से भी बात करेंगे। आपने मतदान कर दिया है क्या, दिखाए हमारे कैमरे पर। मतदान कर दिया है? हाँ, मेरा मतदान। मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया, मुद्दे क्या है? मुद्दे यहाँ पर यही है कि आपकी जो भी रोजगार होना चाहिए, सड़कें ठीक होनी चाहिए और भी जो भी व्यवस्था है वो ठीक होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे मतदान किया है। और यहाँ पर जहाँ तक है कि हमारे कैंडिडेट जितिन प्रसाद जी आए हैं तो काफी बड़े नेता हैं और हमें उनसे बहुत आशाएं हैं। बिल्कुल, हालांकि उनकी व्यक्तिगत राय है। और क्या आप लोग मतदान करके आए हैं, दिखाइए जरा किन मुद्दों पे वोट किया है। सर, हमारे यहाँ जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है और गरीबों के लिए बहुत राशन और पानी सब चीज दिया है, और हम ये चाहते हैं हमारे इलाके में। ठीक है, बातचीत जारी रखेगा, लेकिन अगर हम इन 8 सीटों की बात कर रहे हैं, पिछले चुनावों की बात कर रहे हैं, तो मुरादाबाद और रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, लेकिन बाद में जब उपचुनाव हुए तो रामपुर की सीट बीजेपी ने फतेह कर ली, और वहीं से फराह खान हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, वहां के वोटर्स का हाल बताइए, रामपुर में किस तरह से मतदान चल रहा है फराह खान, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 1 घंटे का वक्त बाकी है वोटिंग खत्म होने में। फरहा, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। संकेत मिश्रा का एक बार फिर से रुक कर रहे हैं। संकेत, आप बातचीत कर रहे थे, मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन ठीक है, उनके पास लौटेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि रामपुर से एक बड़ी खबर भी मिल रही है, निर्दलीय उम्मीदवार और सीओ के बीच में विवाद देखने को मिल रहा है। महमूद प्राचा ने सीओ पर आरोप लगाए हैं, वोटर से दस्तावेज छीनने का आरोप लगाया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त भी आपको हम बता रहे हैं। महमूद प्राचा ने सीओ पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, तो रामपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालांकि प्रशासन की यही कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करवाया जाए। सबके बीच निर्दलीय उम्मीदवार और सीओ के बीच में विवाद हो गया, महमूद प्राचा ने सीओ पर आरोप लगा दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स वोटर्स का छीन लिया गया है, ये आरोप वहां पर लगाया गया है। उनका ये कहना है कि वोटर्स को भटकाने की कोशिश की जा रही है, वोटर्स का डॉक्यूमेंट्स ले लिया गया है, छीन लिया गया है,
और महमूद प्राचा ने सीओ पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ये तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं जब ये विवाद चल रहा था रामपुर में वोटर्स के डॉक्यूमेंट छीनने को लेकर। फरा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी, उन्हें का रुख कर लेते हैं। फरा, बताया जा रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार और सीओ के बीच में विवाद हो गया है, इस खबर को लेकर पहले अपडेट दें, फिर बताएं वोटर्स कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं वोटिंग को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए घंटे का वक्त जो है वो रह गया है और आखिरी सिलसिला जो है वो चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि अभी जो है सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है और आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं, खुद जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो ये कह के गए हैं कि वो जो है उनका विवाद हुआ है पूरी तरीके से, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं। अभी मैं चाहूंगी कि मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोग जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात करें क्योंकि इस बार ये देखा गया है कि रामपुर में बेहद कम वोटिंग हुई है, तो पहले लोगों से बात करेंगे। किन मुद्दों पर अपना वोट देकर आए? मैंने तो भ्रष्टाचार बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया है। जिस तरह से ये सरकार फेल रही है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इतना बड़ा उन्होंने स्कैम करा है जिसको अभी तक कोई अनकवर नहीं कर रहा है। ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष के लिए है, सरकार के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसा हमने कभी नहीं देखा इतनी उम्र में अपनी, तो हम होप करते हैं कि हमारा देश आजाद हो इससे। लेकिन इस बार ये देखा गया कि रामपुर में बहुत ज्यादा कम वोटिंग हुई है, क्या इसका पीछे का कारण है कि लोग नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? पिछली बार जब वो लोग वोट डालने आए थे तो बहुत कुछ ठीक है। ये मताधिकार का इस्तेमाल वोटर्स करते हुए नजर आ रहे हैं।